एक बार एक बड़े से हॉल में बहुत सारे लोग बैठे थे। वहाँ पर दुनिया का एक सबसे बड़ा स्पीकर आने वाला था और सब लोग उनकी बातें सुनने के लिए वहाँ पर आए थे। लगभग 10 मिनट के बाद वह स्पीकर स्टेज पर आ जाता है और वह बोलता है कि अगर आपने मेरी बात ठीक से सुन ली और समझ ली तो आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। उसके बाद वह अपनी जेब से एक बिल्कुल नया चमकता हुआ 500 रुपये का नोट निकालता है और उसको ऊपर करके सबसे पूछता है कि ये नोट आप में से किसको चाहिए। ये सुनते ही सब लोग अपने अपने हाथ ऊपर कर देते हैं। वो स्पीकर बोलता है कि ये नोट मैं आप में से किसी एक को दूंगा, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा। अब वो स्पीकर उस नोट को अपनी मुट्ठी में बंद कर लेता है और थोड़ी देर तक उसको मसलता है। अब उस नए नोट में सल पड़ जाते हैं और वह थोड़ा पुराना सा दिखने लगता है और वह एक किनारे से थोड़ा फट भी जाता है। इसके बाद वह फिर उस नोट को ऊपर करके पूछता है, अब ये नोट किसको चाहिए। इस बार फिर सभी लोग अपने हाथ ऊपर कर देते हैं। तब स्पीकर ने उस नोट को ज़मीन पर गिरा दिया और उस नोट पर 3 से 4 बार पैर रख दिया। इससे नोट और भी पुरानी हो गया और उस पर थोड़ी मिट्टी भी लग गई थी। फिर उन्होंने उस नोट को ऊपर किया और पूछा कि अब इस नोट को आप में से कौन लेना चाहते हैं। और इस बार फिर सब के सब ने हाथ ऊपर कर दिए। स्पीकर अब नोट को फिर से नीचे ज़मीन पर गिरा देता है और उसके ऊपर कूद कूद कर उसको दोनों पैरों से रगड़ देता है और उसके ऊपर चाय भी गिरा देता है। अब नोट इतना गंदा हो जाता है कि उसको पहचानना भी मुश्किल हो जाता है। कोई भी उस नोट को देखता तो यही बोलता कि अब ये सिर्फ एक गंदा कागज का टुकड़ा है, अब ये बेकार है, इस दुनिया में इसकी कोई वैल्यू नहीं है। स्पीकर ने एक बार फिर उस नोट को उठाया और ऊपर करके सबसे पूछा, अब इस नोट को कौन लेना चाहता है। और इस बार फिर सब के सब ने अपने हाथ ऊपर कर दिए। कितना भी गंदा पुराना मिट्टी में सना हुआ चाय का दाग लगा हुआ हो, लेकिन अभी भी वो 500 रुपये का नोट ही था। ज़िंदगी कई बार बड़े बड़े झटके देती है। आप एग्ज़ाम में फेल हो जाते हो या जॉब के इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन नहीं होता। जब आपका बुरा समय चल रहा होता है और आप सिचुएशन का सामना कर रहे होते हो, उसके बाद आपको लगने लगता है कि आप सफलता के लायक नहीं हैं। आपको लगता है कि दूसरे लोग आपसे बेटर हैं और आप किसी काम के नहीं हो, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। हमेशा याद रखा करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी बार सिचुएशन का सामना किया, आप जिंदगी में कितनी बार फेल हुए हो, आपकी वैल्यू हमेशा वही रहेगी जो पहले थी। आपके पास कुछ खास है जो दूसरों के पास नहीं है और ये कोई भी आपसे छीन नहीं सकता। अब तक सक्सेस नहीं मिलने से आपकी वैल्यू कम नहीं हुई है। आप अभी भी अपने बारे में कितना भी लो फील कर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लोग आपको अच्छे से समझते हैं, वो लोग आपके वैल्यू को उतना ही मानेंगे जितना पहले मानते थे। तो अपनी वैल्यू को समझो और कुछ बड़ा करके दिखाओ। तो ये वीडियो से आपको क्या सीख मिली, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं इसी तरीके का मोटिवेशनल वीडियो सुनने के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। साइनिंग ऑफ, सक्सेस लाइफ।